नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। बिहार में एक और शेल्टर होम कांड ने बवाल मचा दिया है। गाय घाट उत्तर रक्षा गृह में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद हलचल मच गई है। गाय घाट आश्रय गृह की एक पीड़ित लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो इस आश्रय गृह से लड़कियों की सप्लाई का आरोप लगा रही है। वीडियो में उसने बताया है कि वहां गंदा काम होता है। रिमांड होम की खूबसूरत लड़कियां मैम की प्यारी होती हैं। वीडियो में युवती ने अधीक्षिका के ऊपर लड़कियों के शारीरिक और मानसिक शोषणों के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वीडियो के बाद सरकार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर रक्षा गृह से निकलकर भागी लड़की ने आरोप लगाया है कि यहां सभी लड़कियों को नशे का इंजेक्शन देकर अवैध कारोबार करने को मजबूर करते हैं। जो लड़कियां अनैतिक काम में साथ नहीं देती उसे प्रताड़ित किया जाता है और खाना तक नहीं दिया जाता। इस लड़की को लेकर एक संस्था के कुछ लोग पुलिस थाने पहुंचे। पटना के महिला थाने में लड़की की शिकायत की गई। हालांकि मामले में अभी केस दर्ज नहीं किया गया है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने आनन फानन में एक टीम का गठन किया और पूरे मामले की जांच की। जांच टीम की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप लगाने वाली युवती के व्यवहार में स्थिरता नहीं दिखी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पीड़िता ने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद वो वापस ले लिया गया। वहीं इस मामले को लेकर जांच टीम ने कहा कि युवती झगड़ालू प्रवृत्ति की है जिसकी पुष्टि रिमांड होम के स्टाफ और वहां रहने वाली लड़कियों ने की है। दूसरी ओर इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। मामले को लेकर जन अधिकारी पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। 2 साल पहले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की लड़कियों से दुष्कर्म का मामला उजागर हुआ था जिस पर नीतीश सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी और अब एक बार फिर ये कांड नीतीश सरकार की मुसीबत ना बन जाए। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।